दोस्तों, अगर आप अपना एक स्टडी चैनल बनाना चाह रहे हो और एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाह रहे हो, तो स्टडी चैनल बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसी कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिन बातों का आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट सर पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित पांडे, बी टेक्निकल बी मॉडर्न। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर फोकस करना है। जिस सब्जेक्ट या टॉपिक पे फोकस करना है, आप उसी पे कंसिस्टेंसी रखकर आप ऑडियंस को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हो। दोस्तों, आप हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जो भी आपके माइंड में सब्जेक्ट आ रहा है, जो भी आपका मन कर रहा है, वो आप अपने चैनल पे अगर डाल रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। खिचड़ी बनाकर नहीं रखना है, आप किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक पर फोकस करिए और वही अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करिए, जिससे कि ऑडियंस आपके चैनल पे आता है तो उसको एक ही टॉपिक पे सारी वीडियोज मिलती हैं, जिससे वो आपके चैनल पे दोबारा भी विजिट करता है और अगर उससे रिलेटेड उसे कोई भी कंटेंट चाहिए तो दौड़कर वो आपके ही चैनल पे आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस चैनल पे मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको फिक्स करना है कि आप किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो, आपको एक सब्जेक्ट या टॉपिक फिक्स कर लेना। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों, होता है आपका स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स मतलब जो आप अपने ऑडियंस को देने चाह रहे हो वो ऑथेंटिक रिलायबल होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट बुक रिसर्च कर सकते हो, मैगजीन्स, या फिर आप किसी एक्सपर्ट के सजेशन, या फिर कोई भी लाइव कोर्स को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप अपने ऑडियंस को डेटा प्रोवाइड करा रहे हो, जो भी आप अपने स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो, वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होना चाहिए और ट्रस्ट करने के लायक होना चाहिए, जिससे आपके चैनल पर स्टूडेंट बार बार विजिट करें। क्योंकि अगर एक बार भी उस चैनल पर आपको कोई भी गलत चीज मिलती है या स्टूडेंट को कोई भी गलत चीज मिलती है, उसको लगता है कि यहाँ पर यार गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही, तो दोबारा शायद उस चैनल पर ना विजिट करें। इसलिए आपको जो भी स्टडी मटेरियल यूट्यूब पर प्रोवाइड कराना है, वो पहले से आप 100% उसको जांच लें कि हाँ, जो मैं मटेरियल प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट को, वो सही है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रही। दोस्तों, अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो अपने चैनल की ब्रांडिंग और डिजाइन के लिए उसके ऊपर आपको टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है, जब भी आपके चैनल पे कोई भी व्यूअर या स्टूडेंट आए तो आपका चैनल यूजर फ्रेंडली दिखना चाहिए। मतलब कोई भी स्टूडेंट आपके चैनल पर आए तो उसको सारी चीजें इजिली मिल जाए, जैसे कि आप प्लेलिस्ट बनाकर रख सकते हो टॉपिक वाइज की, इस टॉपिक पर यहाँ पर ये वीडियो मिलेगी, इस टॉपिक ये वीडियो मिलेगी, जिससे कि क्या होता है स्टूडेंट को ज्यादा उसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। यूजर फ्रेंडली भी रहना चाहिए आपका चैनल, जिससे कि स्टूडेंट्स उस पर बार बार आता जाता रहता है और लोगों को भी वो चैनल सजेस्ट करता है। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अपने चैनल के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाकर रखना चाहिए। कंटेंट कैलेंडर बनाने का यहाँ पर मतलब यह रहता है कि आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि हमको किस डेज पर स्टूडेंट्स को कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कराना। अगर ये चीज पहले से आप फिक्स करके रखते हो तो आप उसको डेज में डिवाइड कर सकते हो। स्टूडेंट्स को आप बता सकते हो कि इस दिन आपको इस चैनल पर ये वीडियो देखने को मिलेगी, इस दिन इस चैनल पर आपको इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। और आप अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर सकते हैं, जिससे आपकी चैनल की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका चैनल ग्रोथ भी होगा। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अपने चैनल के एंगेज बढ़ाने के लिए स्टूडेंट से कनेक्ट रहना पड़ेगा। आप लाइव भी आ सकते हो, लाइव आकर के आप स्टूडेंट से बात कर सकते हो। इसी के साथ में आप क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी बना सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, क्विज भी लगा सकते हो अपने चैनल पे। क्विज के जरिए आप एंगेज लोगों को करोगे और साथ ही में आप कोई कॉम्पिटिशन भी करा सकते हो, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स आपके चैनल से कनेक्ट रहते हो और जब आप इस तरह से डेली एक्टिविटी उस चैनल पर कराते रहोगे तो स्टूडेंट्स आपका इधर से उधर हिलकर नहीं जाएगा, आप ही के चैनल पे वो विजिट करेगा हमेशा और आप उसको बढ़िया बढ़िया जब कंटेंट दोगे तो जाहिर सी बात है आपका चैनल ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, 5 ऐसे पॉइंट है जो मैंने आपको मेनली बता दिया कि आपको चैनल बनाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं कुछ बेसिक पॉइंट की बात करूँ तो आपको अपने चैनल बनाने से पहले अपना एक लोगो बनाकर रखना है। लोगो जो होता है आपके चैनल का एक मेन किरदार निभाता है, क्योंकि वही लोगो बाद में आपका ब्रांड बन जाता है। इसलिए आप जो भी लोगो बनाए चैनल बनाने से पहले उसको फिक्स कर ले, क्योंकि अगर बाद में आप बार बार चैनल के लोगो को बदलते हो इससे आपकी ब्रांडिंग भी खराब होती है। इसलिए आपको एक फिक्स लोगो रखना है, आपको अपना कवर पेज तैयार करना है और अपने चैनल से रिलेटेड आपको सोशल अकाउंट भी बनाना है। जैसे कि आप जो चैनल बना रहे हो उसी नाम से आप इंस्टाग्राम पर भी आईडी बना सकते हो, फेसबुक पेज भी बना सकते हो, ट्विटर हैंडल भी बना सकते हो और हर जगह अपना वीडियोस की मार्केटिंग करोगे, आप अपना पॉपुलर चैनल इसी तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चैनल बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि इस तरह से कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।